किरण की रसोई से मैं आपका स्वागत है। पाव बनाने के लिए सबसे पहले हम एक परात में 2 कप मैदा लेंगे। इसको छानना जरूरी है, तो इसको मैंने छान लिया है। इसमें मैं 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, 1 टीस्पून शक्कर डाल रही हूँ और ये ड्राई ईस्ट है, ये इस रूप में बाजार में अवेलेबल होता है। ये पाव में बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, इसी से ये फर्मेंटेड होता है हमारा आटा। तो ये मैंने 1 टीस्पून ऊपर तक भर के ले लिया है, तो इसको डाल दूंगी। इसको हमें अलग से एक्टिवेट करने की आवश्यकता नहीं है और इसको मैं हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो आटे में हमारे ये मिक्स हो गया। अब हम 1/2 कप गुनगुना दूध लेंगे। सर्दी ज़्यादा है तो थोड़ा सा तेज गुनगुना दूध ले लिया है मैंने, तो इससे इस डो को गोंदूंगी। उससे पहले इसमें एक चीज़ और डाल दूंगी, 2 टेबल स्पून में मिल्क पाउडर डाल दूँ। मिल्क पाउडर डालने से हमारा जो पाव है वो बहुत ही सॉफ्ट बनता है। और इससे अब हमें दूध डाल डाल के थोड़ा थोड़ा सब में मिक्स कर देती हूँ। मैंने पूरा 1/2 कप दूध जो है इसमें डाल दिया है, लेकिन अभी मेरा जो आटा है ये बिल्कुल सूखा है, तो इस दूध को इस तरीके से मोयन की तरह यूज हो रहा है। ये देखिए इस तरीके से मैं इसको मैश कर रही हूँ। और अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा हल्का गुनगुना पानी ले लिया है, क्योंकि ठंड ज़्यादा है और सर्दी के मौसम में हमें एक्टिवेट करने में थोड़ी सी देर लगती है, तो इसलिए मैंने इसमें हल्का गुनगुना पानी ले लिया है। लेकिन अब जब मैंने दूध को मिक्स कर दिया तब मैं इसमें 2 टेबल स्पून खाने वाला तेल ले लिया, इसको मिक्स कर दूंगी पहले। और इस ईस्ट को शक्कर को अच्छे तरीके से देखिए इस तरीके से हो रहा है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक नॉर्मल डो लगा लूँगी। और जितना हम इसको पतला लगाएंगे, गीला लगाएंगे, उतना अच्छा हमारा पाव बनेगा। तो इसको मैं लगा देती हूँ। मैंने 1/2 कप पानी लिया था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको मैं किचन प्लेटफॉर्म पे डाल करके अच्छे से रगड़ूंगी, क्योंकि ये बर्तन में इतना अच्छे से नहीं होगा। ये देखिए ये अभी बहुत स्टिकी हो रहा है, तो अब मैं गैस पट्टी पर काम करूंगी। गैस पट्टी को मैंने अच्छे से साफ कर लिया था पहले। अब इस पर मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी और इस आटे को इस पर डाल के मैं दोनों हाथों से इस तरीके से रगड़ूंगी। ये इस तरीके से हमको रगड़ना है और ये जब तक रगड़ना है जब तक ये हमारे हाथों में चिपकना बंद ना हो जाए, तो ये इस तरीके से रगड़ना है। तो कम से कम इसमें मुझे 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। 5 से 7 मिनट हो गए मेरे को इस तरीके से रगड़ते हुए, थोड़ा थोड़ा तेल डालती रही मैं। ये देखिए बिल्कुल स्टिकी नहीं रहा अब हमारा आटा, बहुत अच्छे से हो गया ये डो। इसमें नमक शक्कर और ईस्ट जो है अच्छे तरीके से मिल गए हैं। हमें रगड़ने से जो है शक्कर के साथ हमारा ईस्ट जो होता है वो एक्टिवेट होता है। और थोड़ा थोड़ा तेल इस तरीके से लगाते जाएंगे और आप इसको बढ़िया से ऐसे पटक पटक के एक सॉफ्ट डो लगाएंगे। ये देखिए स्टिकी नहीं हो रहा है, तो अब हमारा आटा ये बिल्कुल सही हो गया है। अब हम इसको फर्मेंटेड होने के लिए रखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे, स्टील का, कांच का, जो भी आपके पास है, उसमें हम अच्छे से तेल लगा देंगे और इसमें हम अपना ये डो जो है इस तरीके से करके इसमें रख देंगे। इसको हाथों से थोड़ा सा इस तरीके से सेट करेंगे ताकि नीचे कोई एयर बबल्स ना रहे, हमारा आटा जो है सेट हो जाए। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा अच्छा सा तेल लगा देंगे और इस पर स्प्रेड कर देंगे ये तेल, ताकि तेल की कोटिंग होगी तो हमारा आटा सूखेगा नहीं और वो जल्दी एक्टिवेट होगा। ये देखिए इस पर तेल लगा दिया, इस पर तेल लगा लिया। अब इसको हम या तो क्लिंग रैप से कवर कर देंगे या फिर इस थाली से ढक करके रख देंगे। और थाली का जो जो भी चीज़ ढकने का है वो उसको ऊपर तक ढकना है, क्योंकि ये फूलेगा तो ये उस पर टच ना हो, क्योंकि अगर टच होगा तो हमारा आटा फर्मेंटेड नहीं होगा। तो इसको मैं 2 घंटे के लिए माइक्रोवेव में रख देती हूँ। किसी गर्म जगह आप रख दें, इसको दरी कंबल में ढक करके भी रख सकते हैं, क्योंकि अभी सर्दी तेज है तो सर्दी में थोड़ी सी देर लगती है। तो इसको मैं 2 घंटे माइक्रोवेव में रख देती हूँ।
2 घंटे में देखिए हमारा आटा जो है बहुत अच्छी तरीके से सेट हुआ है। अब इसको हम एक पंच मार के इसकी जो है एयर निकाल देंगे और फिर से हम गैस पट्टी पर इस बार थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे और इस आटे को हम निकालेंगे बाउल में से। इसको हम 1 से 2 मिनट फिर से रगड़ेंगे, थोड़ा सा हाथों में मैदा लगा लेंगे। बहुत अच्छी तरीके से तैयार हुआ है हमारा आटा और हम फिर से इसको इस तरीके से खींच खींच के इसको इस तरीके से 5 मिनट तक इस तरीके से रब करेंगे। आटा हमारा तैयार है और उससे पहले हम जिसमें बेक करेंगे, हम माइक्रोवेव में बना रहे हैं तो स्टीम को हम ऑयलिंग कर देंगे अच्छी तरीके से ताकि हमारे जो पाव बनेंगे वो इसमें स्टिकी नहीं होंगे और अच्छी तरीके से सॉफ्ट निकलेंगे और इजीली जब बेक हो जाएंगे तो निकल जाएंगे। तो इसमें हमने ऑयलिंग कर दी और अब हम अपना आटा लेंगे और इसके एक जैसे साइज के हम पाव बनाएंगे और आटे को आप जितना मथेंगे उतने अच्छे आपके पाव बनेंगे। तो इसमें मैं इस तरीके से डो को बराबर हिस्सों में काट लेती हूँ। आटे की लोई हमने जैसे ले ली, सभी एक नाप से कोशिश करेंगे, एक जैसे नाप के तोड़ेंगे हम और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से लेयर्स बनाने से हमारी जो पाव है अंदर से काफ़ी झाली वाली बनती है। ये देखिए इस तरीके से खींचा और इस तरीके से इकट्ठा किया, तो ये इस तरीके से इकट्ठा कर रहे हैं तो अंदर लेयर बनती जा रही है और बाहर जो है ये स्मूथ हो गया। इसका ये जो चीज़ है स्मूथ होने से हमारी पाव दिखने में भी बहुत सुंदर लगती है और अंदर इस तरीके से लेयर होने से अंदर से भी बहुत सॉफ्ट बनेगी। तो ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस है, इसको आप ज़रूर करें। ये इस तरीके से करके इसको फिनिशिंग वाला टच जरूर दें ऐसे पकड़। इसको मैंने ऐसे कर दिया और इसको जो तेल लगी टीन है इसमें हम रख देंगे और थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे रखेंगे, हम पास में नहीं रखेंगे। पास में रखेंगे तो फिर ये अभी से चिपक जाएगी क्योंकि ये फूलेगी और फिर आपस में टच हो जाएगी। ये देखिए आटे को मैं इस तरीके से फोल्ड करती जा रही हूँ अंदर की तरफ। ये तो ये देखिए इस तरीके से स्मूथ हो गई, हमारी जो पाव होती है ऊपर से बड़ी चिकनी लगेगी और इसको मैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे सेट कर देती हूँ। तो मैं अपनी सारी पाव बना देती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। मैंने अपने ये 9 लगा लिए हैं बंस बना करके और ये देखिए डिस्टेंस पे लगाना है क्योंकि ये फूलेंगे तब एक दूसरे का सहारे से चिपक करके ये बहुत अच्छा शेप ले लेंगे और अगर हम शुरू से ही अब चिपका के बनाएंगे तो हमारे जो है इतना अच्छा शेप नहीं लेंगे। तो अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ब्रशिंग कर लेंगे तेल से क्योंकि अभी हम इनको फिर से फूलने के लिए रखेंगे 1.5 से 1 घंटा। तो इस पर मैंने अच्छे से तेल लगा लिया और अब इनको मैं ढक करके कपड़े से या क्लिंग रैप से या किसी प्लेट से ढककर आप इसको 1 घंटे के लिए रख लें। 1 घंटे में देखिए काफ़ी अच्छे से हमारे ये फूल करके तैयार हो गई हैं पाव। अब इस पर मैं हल्का सा दूध का ब्रश लगाऊंगी, इससे हमारी जो सिकेगी पाव तो ऊपर से काफ़ी शाइनिंग वाली और सॉफ्ट रहेगी और इस पर जो कलर आएगा वो भी बहुत प्यारा कलर आएगा। तो इस पर हल्का हल्का दूध का ब्रश हम लगा लेंगे और इसको अब हम 200 डिग्री पर पहले माइक्रोवेव को प्रीहीट करेंगे फिर इसको हम 10 मिनट के लिए बेक होने रखेंगे। माइक्रोवेव को हम 200 डिग्री पर कन्वेक्शन मोड पर सेट करेंगे और स्टार्ट का बटन हम 2 बार दबाएंगे तो हमारा प्रीहीट लिखा हुआ आ गया है। ये मेरे पास एलजी का है, सभी में एक ही तरीके से होता है प्रीहीट। हर रेसिपी में मैंने जब भी माइक्रोवेव सिखाया है
तो डिटेल में मैंने इसको बता रखा है, तो ये प्री हीट लिखा हुआ आ गया, तो ये ऑटोमेटिक टाइम सेट है। अगर टाइम ऑटोमेटिक सेट नहीं है तो आप 4 मिनट प्री हीट कर लें। माइक्रोवेव मेरा प्री हीट हो चुका है, इसमें मैंने छोटे वाली जाली स्टैंड पर अपने पाव रख दिए हैं और फिर मैं इसको 200 डिग्री पर सेट करके 200 डिग्री सेट कर दिया। स्टार्ट का बटन एक बार दबाया तो 0 आ गया और फिर अब मैं टाइम सेट करूंगी 10 मिनट के लिए। ये 10 मिनट सेट हो गया और फिर से स्टार्ट का बटन दबाऊंगी तो मेरा ये स्टार्ट हो जाएगा। ये 10-10 मिनट करके मैंने 2 बार 10 मिनट सेट किया, ऐसे कुल 20 मिनट हमने इसको बेक कर लिया। और ये देखिए, इससे ज्यादा डार्क कलर अच्छा नहीं लगेगा। इस पे मैं जल्दी से गरम गरम पर ही बटर लगा देती हूँ ताकि ये सॉफ्ट रहे। हमारी ये पाव बनकर के तैयार है, इस पर बटर भी लगा लिया है और ये पूरी तरीके से जब ठंडी हो जाए तब आप इसको डिमोल्ड करके उल्टा करके रखें और पूरी ठंडी हो जाए उसके बाद आप ये पॉलिथीन या कपड़े में लपेट करके इनको आप रख सकते हैं। ये ठंडी हो जाएगी उसके बाद मैं आपको इसे दिखाऊंगी। ये ठंडे हो गए तो मैंने इनको डिमोल्ड कर दिया है। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, इनको मैं अलग करके देखती हूँ। ये देखिए बिल्कुल स्पंजी और ये जाली कितनी अच्छी है। ये देखिए, तो इस तरीके से आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं।